राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं रोमन मेडिकल सिस्टम 100 BC। रोमन मेडिकल सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ ग्रीक मेडिकल सिस्टम। द इम्पोर्टेंट मेडिकल पर्सनैलिटीज ऑफ दिस सिस्टम वॉज सेल्सस एंड क्लाउडियस गैलन। तो ऐसा माना जाता है कि जो रोमन मेडिकल सिस्टम है वो फर्दर एक्सटेंशन है ग्रीक मेडिकल सिस्टम का, और जो इम्पोर्टेंट मेडिकल पर्सनालिटीज़ है रोमन मेडिकल सिस्टम की वो है सेल्सस और गैलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्सस को। सेल्सस का पूरा नाम है ऑलस कॉर्नेलियस सेल्सस वॉज कंसिडर्ड बाई मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एज रोमन फिजिशियंस। तो ये जो सेल्सस है, मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस ऐसा मानते थे कि ये एक रोमन फिजिशियन है। वेरी लिटल इज नोन अबाउट दिस पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही कम चीज़ें हैं जो हमें पता है। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी। वो एक क्रिटिसाइजर था अर्ली क्रिश्चियनिटी का, वो क्रिटिसाइज करता था क्रिश्चियनिटी को। ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ हिज टाइम। वो एक्टिवली इन्वॉल्व भी होता था उस टाइम के पॉलिटिकल मैटर्स में। ही प्रोबेबली लिव्ड इन गेलिया नॉर्बोनेंसिस। वो प्रोबेबली लिव कहाँ पर करता था? गेलिया नॉर्बोनेंसिस में। उसका वर्क है सेल्सस का डी मेडिका नाम का। एक्सप्लेनेटरी नोट्स है ऑन डाइट फार्मेसी एंड सर्जरी एंड रिलेटेड फील्ड्स। तो डी मेडिशना एक बुक है रिटन बाय सेल्सस जो कि बेस्ड है, एक्सप्लेनेटरी नोट है ऑन डाइट फार्मेसी सर्जरी एंड रिलेटेड फील्ड्स। सेल्सस डी मेडिशना इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स मेडिकल नॉलेज। जो सेल्सस की डे मेडिशना बुक है वो एक बेस्ट सोर्स है अलेक्जेंडर की मेडिकल नॉलेज के लिए। इन द इंट्रोडक्शन टू डे मेडिशना देर इज़ एन अर्ली डिस्कशन ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पर जो डे मेडिशना बुक है उसके अर्ली इंट्रोडक्शन में ही दिया गया है फुल डिस्कशन ऑन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। मतलब एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के क्या प्रोज है एंड क्या कॉन्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है। इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिस्ट्री हैनेमन सर इमर्ज्ड एज अ फिजिशियन टू प्रूव मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स सक्सेसफुली। और लेटर हिस्ट्री में हैनेमन सर आते हैं जो कि एज ए फिजिशियन इमर्ज होता है, जो अपनी मेडिसिन को हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे सक्सेसफुली प्रूव करना इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हेल्दी ह्यूमन बींग प्रूविंग की नींव रखते हैं। सेल्सस इज कंसिडर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड दैट द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन कैलर डोलर ट्यूमर एंड र्यूमर। ऐसा माना गया है कि जो सेल्सस है वो उन्होंने ही दिया है हमें कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, जो कि कौन से है, चार है, कैलर डोलर ट्यूमर एंड ज्यूबर। जो पांचवा है लॉस ऑफ फंक्शन वो किसी और ने दिया है। ये चार दिए हैं सेल्सस ने। कैलर मीन्स वार्म, डोलर मीन्स पेन, ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग एंड ज्यूबर मीन्स रेडनेस एंड हाइपरेमिया। ही डिस्क्राइब्ड फर्स्ट सेंचुरी रोमन सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर स्टोन्स एंड सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्स। वो फर्स्ट सेंचुरी में ही रोमन सर्जिकल प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट का रिमूवल कैसे करना है, ब्लैडर स्टोन्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, फ्रैक्चर्स को कैसे सेट करना है। ही डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ न्यूमेरियस एंशियंट मेडिकल रेमेडीज इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑफियोड्स। ऑफियोड्स की प्रिपरेशन से उन्होंने न्यूमेरस एंशियंट मेडिसिनल रेमेडीज को भी प्रोड्यूस किया है। ही डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ न्यूमेरियस एंशियंट रेमेडीज इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑफियोड्स। मतलब ऑफियोड्स के प्रिपरेशन के साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी एंशियंट मेडिसिनल रेमेडीज को प्रिपेयर किया है। सेल्सस एडवोकेटेड दैट द क्योर मस्ट बी C2-2 एट जुकांडो, दैट इज द क्योर मस्ट टेक प्लेस स्पीडीली, सेफ मैनर एंड इन एन एग्रीएबल मैनर। दिस इज वेरी सिमिलर टू वॉट हैनेमन सर एक्सप्लेन्ड इन द सेकेंड एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ये जो
चीज़ है जो सेल्सस ने बताई है हमें, C2O2H2CO2, जिसका मतलब है क्योर मस्ट टेक प्लेस स्पीडीली सेफली एंड इन एन एग्रीएबल मैनर। यही चीज़ बाद में हैनमन सर ने सेकेंड एफोरिज्म में डिस्क्राइब की है, यानी ये दो चीज़ सिमिलर है, जो सेकेंड एफोरिज्म का मीनिंग है वो और ये C2O2H2CO2। और ऐसी शॉर्ट नोट भी आती है कि या तो आप सेल्सस के ऊपर पूरी शॉर्ट नोट है वो लिखो, या फिर शॉर्ट नोट में आ सकता है कि C2O2H2CO2, इसका मतलब क्या है, किसने इसको दिया है एंड किस एफोरिज्म से ये रिलेट करता है। तो याद रखना है कि इसको सेल्सस ने दिया है, सेल्सस का पूरा नाम है ऑलस कॉर्नेलियस सेल्सस, इसका मतलब होता है क्योर मस्ट टेक प्लेस स्पीडीली इन शेफ मैनर एंड इन एन अग्रीएबल मैनर, एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द हैनमनसर्स एफोरिज्म, सेकेंड एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। सेल्सस ड्रीम्ड ऑफ C2O2H2CO2, द क्योर इज in speedy, safe and agreeable manner. Hahnemann sir in the later year tried hard to achieve the highest ideal of cure. सेल्सस का ड्रीम था कि जो भी क्योर है वो हमेशा C2O2H2CO2 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी क्योर है वो स्पीडी, सेफ और एग्रीएबल मैनर में होना चाहिए। और हैनमन सर ने अपनी लेटर या लाइफ में पूरी अपनी बेस्ट ट्राई की थी कि वो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर को अचीव कर सके। सो यहाँ पर पूरा हमने सेल्सस कंप्लीट किया है, जिसका हम रिविजन कर लेते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, विल सी गैलेनियन एरा। तो फर्स्ट सेल्सस को रिविजन कर लेते हैं। रोमन मेडिकल सिस्टम है वो फर्दर एक्सटेंशन माना गया है ग्रीक मेडिकल सिस्टम का। जो सेल्सस है वो रोमन फिजिशियन है, ऐसा कई फिजिशियंस का मानना है। वेरी लिटल इज नोन अबाउट हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वो एक क्रिटिसाइजर थे क्रिश्चियनिटी के, और वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे उस टाइम के पॉलिटिकल मैटर्स में। वो प्रोबेबली लीव करते थे नियर गेलिया नॉर्बोनेंसिस। हिज वर्क डे मेडिशना, उसका जो वर्क था डे मेडिशना, वो एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स था ऑन डाइट, फार्मेसी एंड सर्जरी रिलेटेड फील्ड्स। सेल्सस डे मेडिशना इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ अलेक्जेंडरियन मेडिकल नॉलेज। जो सेल्सस की डे मेडिशना बुक है वो एक बेस्ट सोर्स है अलेक्जेंडर की मेडिकल नॉलेज का। इंट्रोडक्शन जो है डे मेडिका का, उसमें उन्होंने अर्ली डिस्कशन में ही बताया है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और एनिमल एक्सपेरिमेंट्स दोनों के क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है वो उसमें दिया गया है। इसके बाद हैनमन सर एज अ फिजिशियन इमर्ज होते हैं, जिन्होंने अपनी मेडिसिन को हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर सक्सेसफुली प्रूव करना स्टार्ट किया। सेल्सस इज कंसिडर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो सेल्सस सर ने हमें इन्वेंट करके दिया है, एक्सप्लेन किए है, जो कि है कैलर, डोलर, ट्यूमर एंड र्यूमर, मीन्स वार्म्थ, पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। He described first century Roman surgical procedures like removal of cataract, treatment for bladder stones and the setting of fractures. वो first century के जो भी Roman surgical procedures थे वो भी उन्होंने describe किए हैं, removal of cataract, treatment of bladder stones and setting of fractures. उन्होंने फिर क्या describe किया है, उन्होंने ancient medicinal remedies को कैसे प्रिपेयर करना है वो डिस्क्राइब किया, और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ ऑफियर्स के बारे में भी बताया है। सेल्सस ने एडवोकेट किया है कि क्योर मस्ट बी C2O2H2CO2, दैट इज क्योर मस्ट टेक्स प्लेस स्पीडीली सी manner and in agreeable manner. This is very similar to the what Hahnemann sir explained in the second aphorism of organon of medicine. Seltzer's ka dream tha ki cure hai wo C2O2H2CO2 ke form mein hona chahiye, yani cure hamesha speedy, safe and agreeable manner mein hona chahiye. And Hahnemann sir in his later year tried full hard to achieve the highest ideal of cure. यहाँ पर हमारा सेल्सस का टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वी विल गो थ्रू गैलेनियन सेरा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कॉमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।